देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा निशाना। अखिलेश ने दिया बीएसपी को बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए बीएसपी के 6 बागी विधायक, बीजेपी से भी एक साइकिल पर सवार। जेल से रिहा हुए आर्यन खान, 22 दिन बाद हुई जमानत, फैंस ने ढोल बजाकर किया स्वागत। खाद की कालाबाजारी आई सामने, किसानों ने गोदाम के कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा, थाने में दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने देहरादून में कार्यक्रम में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने हमेशा किसानों की अनदेखी की है, जबकि बीजेपी ने हमेशा उत्तराखंड का ख्याल रखा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यानी यह कहा जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी अमित शाह पूरी रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहां से उन्होंने चुनावी हुंकार भर दी है और चुनावी हुंकार में साफ तौर पर यह सुना जा सकता है कि किस तरह से अपनी पार्टी का बखान वो करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी में जो काम हुए हैं उसका बखान कर रहे हैं, जनता तक जो लाभ पहुंचे हैं, जो उपलब्धियां हैं वो लगातार गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार जनता के हित में काम कर रही है, उत्तराखंड वासियों के लिए काम करने के लिए बीजेपी लगातार तत्पर है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेहनत कर रहे हैं उससे साफ है कि उत्तराखंड की जनता से उन्हें कितना प्रेम है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना दांव खेल दिया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका देते हुए बीएसपी के 6 बागी विधायकों से सपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी 7 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि सपा में शामिल होने वाले बीएसपी विधायकों में श्रावस्ती के भीनगा से असलम रायनी, हापुर के ढूंढला से असलम अली चौधरी, प्रयागराज के प्रतापपुर से मुज्तबा सिद्दीकी, प्रयागराज के ही हंडिया से हाकिम लाल बिंद, सीतापुर के सिधौली से हरगोविंद भार्गव और जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल शामिल हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सपा मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई है। 6 बागी विधायक बीएसपी के सपा में शामिल हो गए हैं और 1 बीजेपी का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर आएंगे, जहां वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम के साथ बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के संगठन प्रभारी अरविंद मनन भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में आयोजित विकास दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। आप बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि गोरखपुर आगमन होगा योगी आदित्यनाथ का। विधानसभा चुनाव को लेकर एक खास महत्वपूर्ण बैठक होगी, तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। दीपोत्सव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जमानत मिलने के बाद आज मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। इसके बाद आर्यन पिता शाहरुख खान के साथ सीधे अपने घर मन्नत पहुंचे। शाहरुख खान अपने काफिले के साथ आर्यन खान को लेने खुद आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। शाहरुख के घर मन्नत के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आर्थर रोड जेल के अधिकारी के मुताबिक आर्यन खान अपनी रिहाई से बेहद खुश दिखे। उन्होंने दूसरे कैदियों से मिलकर बात की और गले भी लगाया है।
तो आखिरकार आर्यन खान की मन्नत पूरी हो गई है? जिस मन्नत में जाने का इंतजार वो बीते कई दिनों से कर रहे थे, आखिरकार आज वो पूरा हुआ। जेल से रिहा हुए, जमानत 2 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन कल किसी कारणवश वो रिहा नहीं हो पाए थे, लेकिन आज उनकी रिहाई हो गई है, वो अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में वो बेहद खुश नजर आए, साथ ही साथ दूसरे कैदियों से बात करते हुए, हालचाल जानते हुए और गले लगाते हुए उनकी ये तस्वीर वायरल हो गई है। मथुरा में खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है, जहां पर स्थानीय किसानों ने कालाबाजारी करते हुए गोदाम के कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ लिए, जिसके बाद किसान खाद से लदी गाड़ी को लेकर थाने पहुंचा और कालाबाजारी किए जाने की शिकायत कर दी। वहीं मामले की शिकायत के बाद इनकी जांच भी की जा रही है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, इसकी शिकायत लगातार किसान थानों में कर रहे हैं। उसके बावजूद कई जगह पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कई जगहों पर नहीं हो रही है। ऐसे में मथुरा से अनोखा मामला सामने आया, जहां पर किसानों ने गोदाम के कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा है कालाबाजारी करते हुए। ऐसे में खाद का ये पूरा जो गाड़ी है वो लेकर थाने पहुंचे, शिकायत लगाई है कि वो लगातार कालाबाजारी कर रहा था। पहले भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब रंगे हाथों पकड़ा है तो अब इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। थाने वाले यहाँ सहकारी संघ पर खाद की कालाबाजारी हो रही थी, उसकी शिकायत करने के लिए थाने आए। क्या कालाबाजारी हो रही थी? वहाँ एक ही गाड़ी में कल जो खाद बटा उसमें तो कह दिया कि सारा खाद खत्म हो गया, और आज एक जो मेटाडोर भर के 27 कट्टों से बाहर कहीं भेजी जा रही थी। कहाँ भेजी जा रही थी? अब ये तो पता नहीं जान कहाँ भेज रहे थे वो, लेकिन कालाबाजारी के लिए भेज रहे थे, किसान कोई नहीं था उसमें। तो आपको कैसे पता चला? हम जब वहाँ निकल के आ रहे थे झुड़ावई के लिए, तो रास्ते में जब हमने देखा गोदाम की तरफ नज़र की, तो वहाँ ये खाद भरा जा रहा था उसमें। एटा जिले के थाना रिगंज पुलिस की ओर से गश्त के दौरान प्रसव पीड़ा से करहाती महिला को साधन न मिलने पर सरकारी जीप से उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने जीप में ही बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एटा की तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितना लचर है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी लचर है, जहां पर एक महिला को गंभीर हालत में जीप से अस्पताल पहुंचाया गया है। लखनऊ के थाना हसनगंज में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक पर 3 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बता दें कि शिवनगर में बाप्पा लॉन शादी समारोह में 3 बदमाशों ने अंदर घुसकर ताबड़तोड़ चाकू से युवक पर जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को मौके पर मौजूदा लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पर 3-4 बदमाशों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, इंसाफ की मांग परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला किया है, चाकुओं से वार किया, जिससे गंभीर रूप से वो जख्मी हो गया। इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे तब तक मृत घोषित कर दिया। बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज न होने पर पीड़ित परिजन और ग्रामीण एसपी आवास पहुंचे और मामले में न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि हाल ही में महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर महिला को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया और मामले में थाने में शिकायत की थी। वहीं पुलिस की शिकायत दर्ज न करने के बाद पीड़ित परिवार अब एसएसपी आवास पहुंचा है, जिसके बाद मामले में एसएसपी ने पीड़ित परिजनों को मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है। तो बुलंदशहर की तस्वीरें, जहां पर महिला की मौत को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार और ग्रामीण एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर न्याय की गुहार लगाने लगे।
मेरठ के कस्बा सरधना में दीपावली मेले का आगाज हो चुका है। वहीं पूरी सुविधा होने के बावजूद भी लोग इस मेले में नहीं पहुंच रहे हैं, साथ ही दुकानदार भी यहां नहीं दिखाई दे रहे। इसके साथ ही यहां पंडाल दुकान खाली पड़ रही है। वहीं लोगों ने इस बार मेले में भीड़ न होने का कारण महंगाई को बताया है। मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरधना इलाका, और यहाँ पर इस ग्राउंड में हर साल दीपावली का मेला लगता है, लेकिन इस बार जरा भी भीड़ इस मेले में दिखाई नहीं दे रही है। दुकानदार भी नहीं पहुंच रहे हैं। सुविधाएं बहुत है, उसके बावजूद भी लोग यहां पर आने से कतरा रहे हैं। लोगों का मानना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऐसे मेलों में वो नहीं जा रहे हैं। दुकानदार भी लगातार इस बात का हवाला दे रहे हैं। सरधना में 28 तारीख से प्रशासनिक मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें पटरी दुकानदारों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का मेले का आयोजन किया गया था। हालांकि कोरोना के बाद में यह इस तरह का पहला आयोजन है, लेकिन जिस तरह के मेलों में भीड़ दिखनी चाहिए थी, उस तरह की भीड़ मेलों में दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर बात दुकानदारों की थी, जिनके लिए यह मेला लगाया गया था, वे लोग भी मेले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप मेरी तरफ दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि ये जो स्टॉल बनाए गए हैं, जगह चिन्हित की है, वे पटरी दुकानदारों के लिए जगह चिन्हित की गई है, जिसमें आप हम आपको बता दें कि निशुल्क ये मेला है, कि इसमें जो भी दुकानदार आएंगे वो निशुल्क रहेगा, किसी से किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद भी मेले में ना तो दुकानदार दिखाई दे रहे हैं, ना ही भीड़ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमारे पास में कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि भीड़ मेले में क्यों नहीं आ रही है। हाँ जी बताइए। ये भीड़ ना आने का सबसे बड़ा कारण है महंगाई। किस तरीके से महंगाई, किस तरीके से कारण? ये अभी पीछे जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो है कारोबार लोगों के निकल नहीं पाए, रोजगार नहीं हो पाए, और इसी वजह से महंगाई की वजह से पब्लिक नहीं आ पा रही, दुकानें खाली हैं। ये किसी बड़े ने सही कहा है कि रोजगार ना हो तो मेला भी फीका लगता है। अगर रोजगार ना हो तो मेला भी फीका लगता है। इतने दिनों बाद हमारे सरधना में मेला लगा है, शायद 2006 के बाद ये मेला लगा है, और आपके सामने है, देखो ये महंगाई का असर है। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, अब इस महंगाई का क्या करें। हालांकि लोगों का कहना यही है कि जो कहावत हमेशा से चलती हुई आ रही है कि पैसा नहीं है पास, मेला लगे उदास, यही है कहना चाह रहे हैं। रिहान आलम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ सरधना। हमीरपुर जिले में आंगनबाड़ी पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को एक कार्यक्रम के दौरान एक स्मार्टफोन वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यकर्त्रियों को सदर विधायक और डीएम ने कार्यक्रम में निःशुल्क मोबाइल वितरित किए। बता दें कि मोबाइल के बारे में जानकारी देने के लिए सभी कार्यकर्त्रियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हमीरपुर की तस्वीरें, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन बांटे गए हैं, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर हमीरपुर ज़िले में आंगनबाड़ी पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को एक कार्यक्रम के दौरान एक स्मार्टफोन दिया गया है। वहीं कार्यक्रम में ज़िले के समस्त आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुई। कार्यकर्त्रियों को सदर विधायक और डीएम ने कार्यक्रम में निःशुल्क मोबाइल वितरित किए। बता दें कि मोबाइल के बारे में जानकारी देने के लिए सभी कार्यकर्त्रियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। किस तरह से वो सारा अपडेट देंगी, ये पूरी ट्रेनिंग कार्यकर्त्रियों को दी जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन दिया जाए, और जो भी आंगनबाड़ी के माध्यम से हम लोग योजनाएँ चलाते हैं उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो, उसके लिए सरकार ने ये योजना की कि सबको एक एक स्मार्टफोन दिया जाए, और उस स्मार्टफोन के माध्यम से जो भी सूचनाएँ उनसे ली जानी है और इनको भेजना है ये सूचनाएँ, वो सब हम लोग तत्काल प्राप्त करें। और इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम किया गया कि यहाँ पर 677 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज स्मार्टफोन दिया जा रहा है। सहारनपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन यात्रा सहारनपुर पहुंची, जहां प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने रथ का जोरदार स्वागत किया। वहीं दौरान प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य राव ने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और अगर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक हो जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ा विपक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम भी कर सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सहारनपुर के, जहां पर प्रसपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया इस यात्रा का। साथ ही साथ यहां पर
ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं अगर वो एकजुट हो जाएं तो फिर बीजेपी को हराना बेहद आसान हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन रथ जो ये शुरू हुआ है इसके मुख्य बिंदु जो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन है उसको लेके चल रहा है और सत्ता परिवर्तन होना है इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा घूम रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे आपके लिए देखना कि वो लड़के जो MBA और MH किए हुए हैं उन लोगों को भी क्लर्क जैसी नौकरी के लिए आवेदन देना पड़ता है। ये स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर दी है युवाओं की, जहां उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वादे किए थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और उसके बाद हम लोगों ने तो देखा उत्तर प्रदेश में लखनऊ अखनऊ में भी इन लोगों ने होर्डिंग तक लगाई कि 4 लाख नौकरी दे दी कि 5 लाख नौकरियाँ दे दी, लेकिन आज तक कभी उसका कोई ब्यौरा जारी नहीं हुआ। और लगातार मैं तो खुद भी सहकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, हम तो ये देख रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में इतने ही सारे लोग रिटायर हुए हैं अपने पदों से, वो सारे पद रिक्त हैं और आज भी रिक्त पड़े हुए हैं, सरकार उन तक को नहीं भर पाई है। तो बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो सवार हिस्ट्री शीटर बदमाश की किसी अज्ञात बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। हिस्ट्री शीटर बदमाश का शव थाना क्षेत्र के 130 मीटर रोड पर उसकी स्कॉर्पियो कार में पड़ा हुआ मिला। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा छानबीन में कार में शराब के 2 गिलास पड़े मिले, साथ ही शराब भी बरामद हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान किसी व्यक्ति ने गाड़ी में ही उसका विवाद हुआ था और उसी बात पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। थाना बिसरख को लगभग 10 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 130 मीटर रोड पे एक कार सवार युवक की जो है वो डेड बॉडी पड़ी है, जिसपे तत्काल थाना प्रभारी बिसरख ACP और मैं स्वयं और उच्च अधिकारी मौके पर आए। फॉरेंसिक की टीम आई, मौका मुआयना किया गया और प्राइमा फेसी जो जानकारी निकल के आ रही है ये मृतक का नाम जो है वो मंजीत है और ये रहने वाला अंतरिक्ष अपार्टमेंट सेक्टर 78 है वहाँ का है और मूल रूप से जो है वो बादलपुर थाने में खेड़ा धर्मपुरा एक गाँव पड़ता है वहाँ का रहने वाला है और ये थाने का हिस्ट्री शीटर है। इस पर 6 मुकदमे के आसपास हैं जिसमें 302-394 का मुकदमा भी है। चित्रकूट में बिहड़ों के खूंखार डकैत 5.5 लाख के इनामिया डकैत गौरी यादव को SDF ने आज सुबह बहिलपुरवा के जंगल में मुठभेड़ में मार गिराया। इसी के साथ चित्रकूट में खौफ के आखिरी अध्याय का अंत हो गया है। वहीं SP ST F हेमराज मीना ने टेलीफोन से गौरी यादव के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की। बता दें कि गौरी के पास से SDF को AK-47 और भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ है। बता दें कि मारे गए डकैत पर 5 लाख का इनाम था। वहीं इस मुठभेड़ में बाकी बदमाश भागने में कामयाब हो गए लेकिन डकैत गौरी यादव को SDF ने मार गिराया। खबरों की माने तो आरोपी पर 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अहंकार रूपी रावण का विनाश करके भगवान रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब राम अयोध्या पहुंचते हैं तब अयोध्या नगरी के लोग भगवान के स्वागत के लिए अपने अपने घरों को रंगवाते हैं। मिट्टी के दियों से पूरा अयोध्या जगमगा उठता है। ऐसे ही न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम गुजरात बनासकांठा तहसील पहुंची और जहां पर बड़िया जंगलों में जाकर वहां पर रह रहे गरीब परिवारों की मुलाकात की और जाना कि किस तरह से दीपावली की तैयारियां करते हैं। अहंकारी रावण का वध करके जो श्री राम जो वापिस अयोध्या जाते हैं तब जाकर जो जनता है जो वहाँ के जो नगरजन है वो दीपावली का महोत्सव मनाते हैं। इस तरह से तब से जाकर अभी तक दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है लेकिन जो लोग काफी लोग करोड़पति भी होते हैं वो लाखों और करोड़ों खर्च करके दीपावली का जो महोत्सव है मनाते हैं और उनका घर सजाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब लोग होते हैं वो किस प्रकार से दीपावली का महोत्सव मनाते हैं लेकिन वो जो लोग घर सजाते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से जो कैमरामैन है वो जो गरीब जनता है मैं दिखाना चाहूँगा जो महिला है उनका घर
एक जो गोबर आता है गोबर से सजाते हैं और गोबर से सजाते हैं जिस प्रकार से पूरा जो मकान है गोबर से सजाया हुआ है, नहीं उनको कुछ पैसा खरीद करने जाना पड़ता है, उनकी जो गाय भैंसे रहती है उनका जो गोबर आता है वो गोबर से दीपावली के त्योहार पर इस प्रकार से महिलाएं उनका घर सजाती हुई आपको दिखाई दे रही है। जो गांव का जो रमणीय जो है जो लाखों पति जो करोड़ों पति है उनका घर लाखों और करोड़ों में सजाते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है ये दीपावली का जो त्योहार है वो इस तरह से घर को सजाते हुए और उनके बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाकर मनाते हैं। मैं दूसरा जो दृश्य दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से ये गांव का जो मकान है वो पूरा गोबर से सजाया हुआ है, वो जो मिट्टी के जो दिए हैं वो लोग खुद बनाते हैं और खुद ये पूरे घर को दीपावली के दिन सजाएंगे रोशन करेंगे। यहां से मैं दूसरा गांव भी दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से जो गांव का माहौल है, जो ये पूरा गांव है वो दीपावली का महोत्सव और जो त्योहार आ रहा है वो मनाने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लाखों करोड़ों पति है वो कुछ अलग ढंग से अपना त्योहार मनाते हैं, लेकिन जो गरीब प्रजा है वो किस प्रकार से गांव में ये जो त्योहार मनाते हैं, ये जो रमणीय यहाँ पे जो दिख रहा है जो गांव वाले जो बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। मुजफ्फरपुर से एक बार फिर जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया, जहां सरैया थाना क्षेत्र के रुपौली पंचायत में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की जान चली गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति का दूसरी जगह शव पाया गया है। अभी तक के इस मामले में जो भी पुलिस को सूचना मिली है उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें तीन लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है, तीन लोगों के हॉस्पिटल में मृत्यु की बात आ रही है, जो कि जिस जगह पे वो लोग शराब पी रहे थे या फिर जो भी चीज़ें पी रहे थे जो बात आ रही है लोगों के पास में वो हम लोगों ने जगह भी क्लियर कर ली है और उसको भी सील कर दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें एक व्यक्ति को जो कि पंचायत समिति के सदस्य बताए जाते हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनसे आगे की पूछताछ हो रही है। बेगूसराय में रेल थाना पुलिस ने ट्रेन में सफर कर रहे रेल यात्री से मोबाइल छीन कर भाग गए दो चोरों को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों के पास से कई मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने चोरी के मोबाइल की खरीदारी के आरोप में दो मोबाइल दुकानदारों को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए दोनों चोर बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से रेल यात्री का मोबाइल चोरी कर भाग रहे थे, तभी यात्री के चिल्लाने पर रेल पुलिस ने दोनों को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इनकी निशानदेही पर चोरी के मोबाइल खरीदने वाले दो मोबाइल दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें अपना ही सब अपना हाथ साफ कर लेता, मोबाइल चोरी कर लेता, चार आदमी रोशन है, आवाज आ रहा है, रोशन है, अस्फाक है, रवि है, रवि है, दिलखुश है। ये लोग कहाँ के निवासी हैं? लोग सब तीन आदमी बेगूसराय का है, एक आदमी खगड़िया का। कहाँ पर पकड़ा तुमको पुलिस? नवचिया। अभी तुम कहाँ पर हो? बेगूसराय। कहाँ घर है? कौन जगह पर? क्या वजह घटना है? 3 बजे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।